एक नए वीडियो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि फेसबुक पर आ रहे मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट, जो प्रॉब्लम, जो इशू है, इससे हमारा सारा पेज जो है प्रोफाइल पर आया, तो प्रोफाइल सारे रेड हो गए, यानी सारे टूल से जो अर्निंग बंद हो चुकी है, तो इसे आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले, विश्व लाइक कर दिए, चैनल के नए चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं राज और आप देख रहे हैं टेक्निक राजकुमार। तो दोस्तों, यूट्यूब टिप्स या टेक्निक किसी क्वेश्चन से परेशान तो दीजिए इस चैनल पर ध्यान। एंड अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो लिंक जगह फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है जाओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका भी मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने फेसबुक ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आता प्रॉब्लम आपको पता है कि आप कॉपी पेस्ट करते हैं या कोई जो है गलत एक्टिविटी के कारण यहाँ पे जब आपको मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट आ जाता है, तो यहाँ पे रिसोल्व करने का तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल है इस पर आया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी आपने पोस्ट किए हुए हैं यहाँ पे आपको सबको डिलीट कर देना है जो दूसरे का कॉन्टेंट है, ठीक है। दूसरे का वीडियो जो, फोटो जो, कुछ भी हो यहाँ पे आपका दूसरे का हो, तो उसे आप यहाँ पे डिलीट कर देंगे। और कहाँ तक चेक कर लेना आपको, ठीक है दोस्तों, जहाँ की आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाता है नीचे, ठीक है दोस्तों, वहाँ जाना सबसे नीचे। आपको नेट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, नेट की स्पीड अगर तेज है तो यहाँ से आप जल्दी से आ जाएंगे। जो सेटिंग मिल जाता है आपको दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ का, आपके डेट वगैरह यहाँ पे सबसे लास्ट में शो हो जाता है, वहां तक पूरा आपको चेक कर लेना। जो भी दूसरे का कंटेंट दिखता है, दूसरे का फोटो या वीडियो वगैरह जो भी दिखता है, यहाँ से आप जो सबसे पहले उसे डिलीट मार देंगे, ठीक है दोस्तों, डिलीट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, अब क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कैसे करना है, जो सही तरीका है आज वो जानेंगे। तो सबसे पहले आपको मोनेटाइजेशन सेक्शन में आ जाना होगा, जो भी आपका इशू है, ठीक है दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम आपका मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट का, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब स्क्रीनशॉट दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम आ चुके हैं। अगर बोनस के ऊपर टाइप करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है डॉलर अर्निंग हो रहा था, जो गो टू इश्यू में आ जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन इसका इशू है, देन यहाँ पे मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन है। तो हमें क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट यानी इसका एक फोटो ले लेना है, देन यहाँ पे मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन के ऊपर जो है टाइप करेंगे एंड एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, ठीक है। सो आपने अब आपके पास जो है दो स्क्रीनशॉट हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, बैक हो जाएंगे, अब जो बैक होके अपने पेज प्रोफाइल पे आ जाएंगे, देन यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर टाइप करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है सेटिंग का आइकॉन मिल जाता है, देख सकते हैं हेल्प एंड सपोर्ट का, तो इसके ऊपर हमें टाइप कर देना है। टाइप करते दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपको हेल्प सेंटर, क्रिएटर सपोर्ट, सपोर्टिंग बॉक्स, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन मिल जाता है। रिपोर्ट ए प्रॉब्लम इसके ऊपर टाइप करेंगे। अब यहाँ पे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम के ऊपर टाइप कर देना होगा। अब ये क्रिएटिंग रिपोर्ट के लिए थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, वेट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लूड, तो इंक्लूड के ऊपर टाइप करके यहाँ से आप जो अगर आप पेज पे कर रहे हैं या प्रोफाइल पे कर रहे हैं, इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोफाइल है तो यहाँ पे प्रोफाइल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पे देखेंगे अपलोड फ्रॉम फोन, आपने जो फोटो लिया हुआ, जो स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ये दोनों स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दिया। डिस्क्राइब द इशू में क्या टाइप करना है ये आपको मिल जाएगा मेरे इस, देख सकते हैं यहाँ पे क्या टाइप करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डियर फेसबुक टीम दिस इज माई पेज, यहाँ पेज लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ तो आपको आपको कर देना है यहाँ पे प्रोफाइल। अगर आपका प्रोफाइल है तो प्रोफाइल, पेज है तो पेज लिखेंगे एंड यहाँ पे अपने पेज या प्रोफाइल का नाम लिखेंगे। वी आर वर्किंग आउट ऑन इट बट टिल नाउ इट इज शोइंग प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज पोस्टेड वीडियोस अकॉर्डिंग टू रूल्स, स्टिल इन एस्टिमेट्स अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड इज शोइंग ऑन माई पेज, ऑन आवर पेज, पेज की जगह पे आपको यहाँ पे प्रोफाइल लिख देना है अगर आपका प्रोफाइल है, ठीक है दोस्तों। प्रोफाइल दैट ऑल द कंटेंट ऑन दिस पेज, पेज की जगह पे आपको यहाँ पे भी प्रोफाइल कर देना है, यानी आपको पेज की जगह पे प्रोफाइल कर देना। अगर प्रोफाइल है तो प्रोफाइल रहने देंगे, पेज है तो पेज लिख देंगे।
एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। इस तरह से आप जो टाइप कर देंगे एंड थैंक्स लिखकर प्रोफाइल लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जो भी आपका पेज है या प्रोफाइल है उसका लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। एंड ऐसे आप यहाँ से, मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर आप कहोगे तो आपको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करोगे वहां पे भी मैसेज में आपको मैं दे दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया दोस्तों, और जो भी लिखा हुआ है मैंने आपको दिखा भी दिया है। अब क्या करना है, हम इसे सेंड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है एरो का निशान, इसके ऊपर हमें टैप कर देना होगा। टैप करते दोस्तों ये जो है रिपोर्ट जो है सबमिट होएगा, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, देख सकते हैं, प्लीज वेट वेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये आपकी रिपोर्ट जो है देख सकते हैं सबमिट हो चुका है फेसबुक टीम को। तो इस तरह से आप जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, अब ये फेसबुक रिव्यू करेगा आपका पेज या प्रोफाइल जो भी है। अगर आपका सब कुछ क्लियर है, यानी सब कुछ आप मॉडरेशन के एलिजिबल हैं, तो आपको दोबारा से जो मॉडरेशन इम्पैक्ट का प्रॉब्लम है वो रिसोल्व कर दिया जाएगा और आप जो है अर्निंग स्टार्ट कर पाएंगे अगेन। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप जो है रिपोर्ट करेंगे अब और कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।